आज मैं आपके साथ व्रत में खाने के लिए हरी धनिया की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया ले लिया है, इसको अच्छे से साफ कर कर अच्छे से वॉश कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा धनिया मैंने लेके अच्छे से वॉश कर लिया है, जिससे उसकी सारी मिट्टी निकल जाए। इसके बाद हम इसमें 5 से 6 मैंने हरी मिर्च लिया। आप तीखा अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो 1 या 2 मिर्च डालिए। अगर आपको अच्छा चटपटा चाहिए तो आप ज़्यादा मिर्च यूज़ करिए। और फिर साथ में हमने यहाँ पर मूंगफली दाना लिया है, ये ड्राई रोस्ट किया हुआ दाना है। ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे 1 चम्मच मूंगफली दाना ले लिया है। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। अगर आप जीरा व्रत में नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, अगर खाते हैं तो आप उसमें 1/2 चम्मच जीरा ले लीजिए। व्रत वाला नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, सेंधा नमक बोलते हैं। खटाई के लिए आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं, दही भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो नींबू का फूल, हाँ, टाटरी साइट्रिक एसिड, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाटरी यूज़ कर रही हूँ, नींबू का फूल, साइट्रिक एसिड। आप दही भी डाल सकते हैं इसमें, दही या नींबू, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। हल्की सी हम इसमें शक्कर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी शक्कर डालना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो हल्की सी हम इसमें शक्कर डालेंगे, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है शक्कर डालने से। तो ये देख सकते हैं आप, 1/2 चम्मच से भी कम इसमें मैं शक्कर यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे अच्छे से पिस जाए। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, चटनी हमारी बनकर एकदम रेडी है। ये देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा एकदम चिकना नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा रखा है। इस तरीके से क्या चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए, व्रत वाली हमारी हरे धनिया की चटनी बनकर एकदम रेडी है, ज़रूर एक बार ट्राई करें। ये देखिए, हमारी तीखी तीखी खट्टी मीठी चटनी व्रत में खाने के लिए एकदम रेडी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।